आखिर माता केकई ने प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों दिया, 15 या 12 वर्ष का क्यों नहीं? आखिर क्या रहस्य था 14 वर्ष के पीछे? आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री, यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी केकई राम को अपने बड़े पुत्र यानी कि भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। भले ही राम कौशल्या के पुत्र थे लेकिन केकई थी जिन्होंने राम को अपने पुत्र से भी बढ़कर माना। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि केकई अचानक से इतनी कठोर हो गई कि उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास ही दे दिया? लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर केकई ने राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? आखिर क्या खास था इन 14 वर्षों में? तो चलिए जानते हैं। जब दैत्य और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था तब कौशल्या नरेश दशरथ राजा इंद्र की तरफ से युद्ध करने गए। इस महाभयंकर युद्ध में कई भयानक दैत्य शामिल थे, इसीलिए उन्होंने देवताओं को खूब हानि पहुंचाई। इस युद्ध में लड़ाई करते करते कौशल्या नरेश दशरथ बुरी तरह घायल हो गए। ये एक ऐसा समय था जब दशरथ के जीवन और मृत्यु का सवाल था। इस समय एक वीर पराक्रमी स्त्री जिसने दैत्यों से युद्ध करके राजा दशरथ को बचाया, ये स्त्री कोई और नहीं बल्कि केकई थी। केकई थी जो अत्यधिक सुंदर होने के साथ साथ युद्ध कला में भी माहिर थी। इन्होंने बचपन से युद्ध की कलाएं सीखी थी। जब दशरथ को ये सब पता चला तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी स्त्री नहीं देखी थी जो सुंदर होने के साथ साथ एक योद्धा भी हो। इसीलिए राजा दशरथ ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें तो वरदान मांगने को कहा, लेकिन उस समय केकई ने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने उनसे कहा कि जब जरूरत होगी तब मैं मांग लूंगी, और कुछ इस तरह राजा दशरथ ने केकई से विवाह किया था। वो समय आता है जब राम का राज्यभिषेक होने वाला था। राज्यभिषेक से कुछ समय पहले ही मंत्रा ने केकई को अपने बहकावे में ले लिया और उसे वे वरदान याद दिलाए जो कि उसके पास थे, और उससे कहा कि अभी भी समय है, तुम्हारे पुत्र को राजा बना सकती हो। और कुछ इस तरह विधि ने ऐसा विधान किया कि केकई ने अपने दोनों वरदानों को दशरथ से मांग लिया। पहले वरदान में केकई ने मांगा कि वे अपने पुत्र को यानी कि भरत को राजा बनाना चाहती हैं, और दूसरे वरदान में उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। लेकिन वही सवाल कि आखिर 14 वर्ष का वनवास ही क्यों, 12 या 15 वर्ष का क्यों नहीं? दरअसल दोस्तों, केकई एक अच्छी योद्धा होने के साथ साथ उनके भीतर एक राजा के भी गुण थे, इसीलिए वे राजनीति कला में भी परिपूर्ण थी। वे अच्छी तरह से राजनीति समझती थी यानी कि प्रशासनिक नियम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक समय का एक अलग प्रशासन होता है, उसी तरह भगवान राम त्रेता युग के थे और उस समय का प्रशासन ये था कि अगर कोई राजा 14 साल तक अपने राज्य को छोड़ देता है तो उसे उसके राज्य से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, यानी कि वे फिर कभी दोबारा राजा नहीं बन सकता। इसीलिए यही कारण था जिस वजह से केकई ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, जिस वजह से वे कभी दोबारा राजा न बन पाए। लेकिन केकई के बेटे यानी कि भरत ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। भरत राम को अपने बड़े भाई के साथ साथ भगवान भी मानते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान राम के लिए अपनी माता को भी त्याग दिया था। भरत ने इस प्रशासनिक नीति को भी तोड़ दिया और 14 वर्षों के बाद भी अपने ही बड़े भाई यानी कि श्री राम को उनकी राज्य गद्दी वापस लौटा दी। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।